जैसा कि आपको पता है जेएनयू के एंट्रेंस एग्जाम्स के जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं वो रिलीज हो चुके हैं, वो चाहे बैचलर के हो, मास्टर्स के हो, पीएचडी लेवल के हो। लेकिन जैसे एप्लीकेशन फॉर्म्स आए हैं उसके बाद एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा राइज हो रहा है, स्टूडेंट्स के बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। उन सवालों में तो सबसे बड़ा क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहा है वो क्वेश्चन ये है कि वहां पे आपको तीन चॉइसेस दी गई हैं। आप अगर मास्टर्स के लिए देखें या फिर आप बैचलर के लिए देखें तो आपको वहां पे तीन चॉइसेस के अलग अलग कैटेगरी में आपको फी बताया गया है। आप अगर एक चॉइस चुनते हैं तो आपका ये फी लगेगा, सेकंड दो चॉइस रखते हैं तो आपका ये फी होगा, तीन चॉइस है तो उसका ये फी होगा। तो आप देख अगर आप देखेंगे उसमें तो वहां पे तीन चॉइसेस दी गई है। तीन चॉइसेस ये है कि आखिर क्या है। देखिए जेएनयू क्या है कि एक ऑप्शन देता है आपको तीन चॉइस रखने का। तीन चॉइस किस बेस पर होती है मैं बता देता हूँ। सपोज दैट आप अगर बीए में अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको तीन सब्जेक्ट, तीन लैंग्वेजेस चुननी है। आपको स्पेनिश चुनना है, आपको चाइनीज चुनना है और इसी के साथ साथ आपको फ्रेंच भी चुनना है। अब देखिए तीन चॉइसेस आप यहाँ पे अगर चुनते हैं, पहली चीज तो ये कि आपको पहली चॉइस जो रहेगी, अगर केवल एक चॉइस रखते हैं तो आपका फी स्ट्रक्चर में चेंज आ जाएगा, आप जो फी है वो आपका कम रहेगा। लेकिन दो चॉइस रखते हैं फी बढ़ जाएगा। तीन चॉइस अगर आप अपने फॉर्म में आपको ऑप्शन मिलेगा तीन चॉइस रखने का, तीनों अगर चुनते हैं तो आपका फी तो बढ़ेगा ही, लेकिन इसका फायदा है। फायदा ये है कि जब आपका एडमिशन होगा, आप चाहे एम ए की बात करें या बी ए की बात करें, आपका जब एडमिशन होगा, सपोज दैट आप स्पेनिश की कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाते, आपकी पहली चॉइस थी, आप यहाँ पे फेल हो गए, कोई इशू नहीं है, आपका चाइनीज का कट ऑफ चेक कर लिया जाएगा। सपोज दैट स्पेनिश का 79 था लेकिन चाइनीज का 78 था और आपका 78 है, लेकिन चाइनीज जिनकी फर्स्ट चॉइस थी उनका क्लियर होने के बाद भी अगर कुछ सीटें बचती हैं तो आपको इस चाइनीज में एडमिशन मिल जाएगा। अगर आप इसमें भी फेल रहते हैं, थर्ड चॉइस आपकी फ्रेंच थी लेकिन फ्रेंच में देखा गया कि आपके जितने मार्क्स थे उस लेवल पे आने के बाद भी कुछ सीटें जो फर्स्ट चॉइस वालों की अगर बच गई हैं तो फिर आपको फ्रेंच भी दिया जा सकता है। यही सेम सिस्टम मास्टर्स में है। आप आईआरएम में अप्लाई कर सकते हैं एक ही फॉर्म में, आप पीएएसएम में अप्लाई कर सकते हैं, आप पॉलिटिकल साइंस में जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्या है कि आप एक ही फॉर्म में तीन एक साथ चॉइस रखते हैं, आपके पास तीन ऑप्शन खुल जाते हैं। अगर आप एक सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं आपके पास दूसरा सब्जेक्ट तैयार हो जाता है। अगर आप उसके कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं आपके सेकंड चॉइस देखी जाती है, अगर आप उसमें आ रहे हैं क्राइटेरिया तो आपको उसमें ले लिया जाता है, सेकंड में फेल थर्ड चेक कर लिया जाता है। तो ये तीन चॉइसेस का जो खेल है वो ये, और कहीं ना कहीं आपके फायदे के लिए बहुत ज्यादा जरूरी भी है, क्योंकि केवल अगर एक चॉइस रहेगी और आप फेल हो गए तो आपका दूसरा ऑप्शन खत्म हो जाता है। लेकिन जेएनयू एक इतनी बेहतरीन यूनिवर्सिटीज ने ऐसा बेहतरीन सिस्टम तैयार किया कि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको शॉर्ट आउट कर दिया कि देखिए आपको एक्स्ट्रा फॉर्म फीस तो देनी पड़ेगी लेकिन अलग से फॉर्म नहीं भरने पड़ेंगे। दूसरी चीज, आप एक ही उसमें तीन चॉइसेस रख लेते हैं। बीए वाले खासकर जो स्टूडेंट होते हैं, एमए वाले तो लगभग फिक्स होता है कि उनको एमए पीएसएम में जाना है कि आईआरएम में जाना है, लेकिन फिर भी वो लोग भी तीन अलग अलग चॉइसेस भरते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा चार्ज नहीं बढ़ता है। तो तीन चॉइसेस का मुझे लगता है कि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी किसी का डाउट क्लियर ना हुआ हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। दूसरा जो है, अगर हम बात करें यहाँ पे जो फी है, फॉर्म फी है, वो भी कैटेगरी वाइज है, ठीक है। बीपीएल वालों की बहुत कम फी है, जनरल कैटेगरी का आपका ऑलरेडी जो आप पढ़ेंगे एनटीए का जो प्रेस रिलीज है उसमें जब देखेंगे नोटिस में तो वहां पे आपको मिल जाएगा। ऑलरेडी हमारे एग्जाम वर्ड ऑफिशियल जो टेलीग्राम चैनल है वहां पे वो फी स्ट्रक्चर वाला पेज अवेलेबल है, वहां जाके ज्वाइन करके देख सकते हैं उसे। और कैटेगरी के हिसाब से एक और चीज मैं बताता हूँ, कई स्टूडेंट्स का ये कहना है कि यहाँ पे जो हमें डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हमें क्या क्या अपलोड करने हैं, तो आपको कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना, फोटो सिग्नेचर के अलावा कुछ भी अपलोड नहीं करना है आपको। आप अगर किसी कैटेगरी से आते हैं, मान लीजिए आप ईडब्ल्यूएस से हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, आप ओबीसी से हैं, एससी से हैं, एसटी से, आपको कोई कास्ट सर्टिफिकेट अभी एप्लीकेशन टाइम पे अपलोड नहीं करना होता है, केवल आपको अपना कास्ट भरना होता है। और हाँ, एक चीज का जरूर ध्यान रखिएगा, उसमें क्वार्टाइल डिस्ट्रिक्ट का जो मार्क्स है, अगर आपने 10th या 12th किसी क्वार्टाइल डिस्ट्रिक्ट से किया है तो उस पर जरूर टिक करिएगा। क्वार्टाइल डिस्ट्रिक्ट कैसे करना है इस पर आपको रिसेंट वीडियो बहुत जल्दी मिल जाएगा, वैसे हमने पहले भी एक वीडियो दिया है उसके बारे में तो उसे आप लोग पीछे जाके देख सकते हैं। लेकिन अगर आपका चॉइसेस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में छोड़िए। एडमिट कार्ड इसका एग्जाम का जो है वो 8th of September को रिलीज होने वाला है। अगर कोरोना की थर्ड वेव आती है तो हो सकता है इनमें चेंजेस भी आ सकते हैं। और
ये जो क्वेश्चन पेपर जो हो रहेगा हमारा, जो टाइमिंग होगा पूरा पेपर को सॉल्व करने का, वो 3 आवर्स का होगा। पेपर लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश में होगा, लेकिन अगर आप एमए लैंग्वेज में जा रहे हैं तो वो आपका उसी लैंग्वेज में आएगा जिस मास्टर्स लैंग्वेज के लिए आपने अप्लाई किया है। सो गाइस, आज का वीडियो हमारा खासकर उन 3 चॉइसेस को लेके था जिनके बारे में आपके मन में सस्पेंस है। आप तीनों चॉइस रखिए, स्पेशली बीए के स्टूडेंट्स और मास्टर्स के स्टूडेंट जो एक ही फील्ड के हैं, लाइक आईआरएम, पीआईएसएम या फिर पॉलिटिकल साइंस, इस टाइप का जो फील्ड लगभग एक कॉमन सा होता है, यहाँ से जो स्टूडेंट आते हैं कनेक्टेड है वो भी अपनी 3 चॉइस फिल कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा फॉर्म फीस देना होता है, उसके अलावा कुछ देना नहीं होता है। तो गाइस, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, साथ ही साथ चैनल को नए अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें, और क्लासेस जो ज्वाइन करना चाहते हैं तो गूगल फॉर्म नीचे दिया गया, जाके फिल करें, क्लासेस ज्वाइन करें, टेस्ट सीरीज एंड नोट्स के रिगार्डिंग भी आप गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो एंड कमेंट्स इन कमेंट सेक्शन।